चलिए लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं डोनट्स बनाना। पहले हमने लिया है ल्यूक वार्म वाटर एक बाउल में, उसमें मैं डालूंगी पाउडर्ड शुगर 1 से 1.5 स्पून तक। वो आपको अच्छे से डिसॉल्व करना है, अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए ताकि बिल्कुल डिसॉल्व हो जाए वो ल्यूक वार्म वाटर में। गाइस ल्यूक वार्म वाटर ही लेना, ज़्यादा गर्म मत लीजिएगा नहीं तो यीस्ट अच्छे से उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। ये डिसॉल्व हो गया है, अभी हम लेंगे ड्राई यीस्ट। देखिए ड्राई यीस्ट ऐसे होती है, हम लेंगे राउंड अबाउट 1-1.5 स्पून ड्राई यीस्ट। उसको हल्का मिक्स कर दीजिए, ज़्यादा मिक्स मत करिए, हल्का मिक्स करके छोड़ दीजिए। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए, ढक के रख दीजिए। अब हम इसे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। अब देखिए 15 मिनट के बाद कैसे हो गई है। हाँ हमें प्रॉपरली यही कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी प्रॉपरली। देखिए कैसे फूल गया है, जैसे ये फूलेगा उसी तरीके से हमारा डो फूलेगा। अभी हम लेंगे ऑल पर्पज़ मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा। एक बाउल लिया है मैंने, उसमें छोटा एक बाउल डालूंगी मिल्क मेड पाउडर, उससे हमारा रिचनेस बढ़ेगा डोनट्स का। ये आपके ऊपर है गाइस, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो ओनली मैदा लेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड शुगर स्वीटनेस के लिए। ये मैंने लगभग आधा बाउल लिया है पाउडर्ड शुगर, आप घर में पाउडर कर सकते हैं। नॉर्मल चीनी को पाउडर ग्राइंड कर दीजिए। अब इस सब पाउडर्ड फॉर्म को मिक्स कर दीजिए। अब हम जो ये यीस्ट बनाई थी वो यीस्ट के मिक्सचर को हमें उसे नीट करना है अच्छे से। मैं अब इसे अच्छे से गूंद लूँगी। दोस्तों जो आटा बनाना है ना वो हमें काफ़ी सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है। अब जो बचा हुआ यीस्ट है वो दूसरे पानी डाल के निकाल दीजिए, उसको अच्छे से गूंद दीजिए। अच्छे से गूंदना है हमें, ये काफ़ी सॉफ्ट आटा बनता है। देखिए कितना स्टिकी बना है, ऐसे स्टिकी फॉर्म में ही हमें आटा गूंदना है। देख अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ये देखिए कैसे सॉफ्ट एंड स्टिकी रुका है, अच्छे से निकाल दीजिए। ये देखिए काफ़ी स्टिकी रहना चाहिए आटा। तो जो हम लोग डोनट्स बना रहे हैं वो हमारे डोनट्स काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, हार्ड मत गूंथिएगा आटा। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके एक बाउल में अच्छे से सेट करके रख दीजिए। ये देखिए अब हम इसे 10-15 मिनट रख देंगे ताकि वो यीस्ट से जो हमने जो गूंथा है आटा वो अच्छे से फूल जाए और हमारा डोनट भी अच्छा फूले। अब हम इसके 15 मिनट ढक के रख दीजिए तो थोड़ा आटा फूल जाएगा। देखिए 15 मिनट के बाद हल्का सा देखिए कैसे थोड़ा फूल गया है। अब हमें इसे निकाल के फिर से एक बार गूंथ लेना है अच्छे से, थोड़ा हाथ पे ही आप मिक्स कर दीजिए। थोड़ा तेल लगा के, अगर वो चिपक रहा है आपके हाथ में तो थोड़ा तेल लगा के उसे अच्छे से नीट कर दीजिए हाथ में। ये देखिए देखिए जैसे ब्रेड में कैसे रहता है जाला, वैसे जालेदार हमारा आटा बना हुआ है। अभी हम इसके गोले बना देंगे। गोले बना के हल्का सा मैदा स्प्रेड करके नीचे से ताकि वो चिपके ना, मैदा स्प्रेड करके अच्छे से आप उसको बेल दीजिए। आप जो आटा बेलेंगे, जो गोला बेलेंगे ना आप, जैसे हम चपाती बेलते हैं बस वैसे ही बेलना है। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए उसको अच्छे से हाथ से भी डैप कर रहे हैं, देखिए कैसे स्प्रेड हो रहा है। अभी हम इसे स्मूथ कर लेंगे। थिकनेस इसकी 1/2 से 1.25 इंच की होनी चाहिए। अभी हम लोग उसको ग्लास के मदद से कट कर लेंगे राउंड शेप, जो साइज़ आपको चाहिए प्रॉपर साइज़, तो ग्लास के साइज़ का प्रॉपर रुकेगा डोनट। आपके पास कोई कटर है, बाउल है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। मैंने लिया है ग्लास,
अगर वो ग्लास चिपक रहा है फ्रेंड्स, तो आप इस पर थोड़ा मैदा लगा के कट कर दीजिए, वो इजीली निकल आएगा। अब हम इन गोलों को साइड कर लेंगे, एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। मैं इसको, आपके पास अगर कटर है तो आप उससे कर सकते हैं। ये देखिए मैं ऐसे कट कर रही हूँ, थोड़ा मैदा लगा दीजिए, निकाल दीजिए। देखिए हमारा डोनट प्रॉपर शेप में आ गया है। अब हम इसे निकाल के रख देंगे। मैंने एक ट्रे पे रख दिया है, वहाँ पे थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर दिया है, उस पर रख दीजिए। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके जितने निकलते हैं प्रॉपरली, आप उनको प्रॉपर कट करके रख दीजिए। मेरे ये इतने प्रॉपर निकले हैं, 10 डोनट्स मेरे निकले हैं प्रॉपरली। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि वो फूल जाएँ। अब मैंने ऑयल गरम कर दिया है, थोड़ा आप चेक कर दीजिए। ये देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है हमारा डो हमने जो बनाया है। अब इसे निकाल दीजिए। अब आप एक एक करके या दो दो करके, जैसी आपकी कढ़ाई हो वैसे करके आप फ्राई करके निकाल दीजिए। हल्का गोल्डन ब्राउन करिए, उसको अच्छे से टर्न करते रहिए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं हमारे डोनट्स। फ्रेंड्स मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो वो मैदा जल्दी ब्लैक हो जाता है, तो आपके डोनट्स जल सकते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, अच्छे से टिश्यू पे निकाल दीजिए। इसी तरह से अब बाकी के डोनट्स भी फ्राई कर दीजिए। देखिए बाकी के डोनट्स फ्राई करके आप निकाल दीजिए। देखिए मेरे 10 डोनट्स बन के रेडी हैं। अब मैं इसमें डालूंगी एक इंजेक्शन, आप छोटा सा ले सकते हैं इंजेक्ट। मैंने इसमें इसके अंदर मिल्क मेड डालूंगी ताकि उसका अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और क्रीमी फिलिंग आ जाए। इससे हमारा डोनट अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। हम इसमें अलग अलग तरीके की फिलिंग कर सकते हैं। मैंने वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट मेल्ट करके रखा है, आप उसकी भी इसको भी इंजेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स मार्केट में मिलते हैं अंदर से चोको फिल वाले डोनट्स, आप उस तरीके से बना सकते हैं। अभी मैंने रेडी करके रखे, अब हम डेकोरेट करने के लिए इसको डिप करेंगे डार्क चॉकलेट में। मैंने डबल बॉयलर मेथड से डार्क चॉकलेट मेल्ट करके रखा है। ये देखिए बहुत ही इजी है फ्रेंड्स डोनट बनाना, एकदम बाज़ार के जैसे बनते हैं। ये मैंने 3 वाइट चॉकलेट डोनट रेडी करके रखे हैं और 3 डार्क चॉकलेट। आप इसके ऊपर डेकोरेट करिए। ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार के जैसे। मैं चोको चिप स्प्रेड कर रही हूँ इस पर। आप अपने चॉइस का कोई भी स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहिए आप वैसे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने कलरफुल बॉल्स भी स्प्रेड किए हैं। काफ़ी टाइप के स्प्रेड्स मिलते हैं, स्प्रिंकलर्स मिलते हैं मार्केट में, इजीली किसी भी केक शॉप पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कितने प्रिटी लग रही है, कितने यम्मी लग रहे हैं। गाइस देखिए आप बनाइए, फैमिली को खिलाइए, खुद भी खाइए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ एक, देखिए कितने अंदर मॉइस्ट बने हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देख कितने इजीली ब्रेक हो रहे हैं। देखिए